जैसे आज हम बना रहे हैं बीफ। बीफ निहायत ही आसान तरीके से, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बीफ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 10 से 12 जवे लहसुन, 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, नमक 1 चम्मच या हसब जायका, हल्दी 2 चुटकी, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीफ हो या मटन, मैं हमेशा उसे कुकर नहीं लगाती, ऐसे ही हल्की आंच पे गला लेती हूँ। हम इस सब को मिक्स करके हल्की सी आंच पे चूल्हे पर रख देंगे। 1/2 से 1.5 घंटे में ये सब गल जाएगा, गोश्त और सारा मसाला, प्याज, टमाटर। गोश्त अपने भी पानी में पकता रहेगा और टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उसमें भी गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह 30 से 45 मिनट में गल जाएगा। अच्छा, अब ये है अदरक, हसब ज़रूरत काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब मैं इन दोनों को मिलाकर सिलबट्टे पे पीस लूँगी। इसमें मैं 2 अदद दालचीनी भी ऐड करूँगी। गरम मसाला और अदरक हमने सिलबट्टे पे पीस लिया है। अब 1 टीस्पून हम इसमें भी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसे इसमें गोश्त में, जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उससे 5 मिनट पहले ऐड कर देंगे। ये मेरी मम्मी करती थी ऐसे, गरम मसाला और अदरक एक साथ पीसती थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, गोश्त हल्की आंच पे पक रहा है, हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और गरम मसाला जो हमने अभी सिलबट्टे पे पीसा है, मिक्स कर देंगे इसे। दोबारा ढककर पकाएंगे। आधा गरम मसाले और अदरक का पेस्ट हमने बचा लिया, ये हम इस सालन में लास्ट में ऐड करेंगे। हमारा बिल्कुल गल चुका है, देख रहे हैं जैसे कि आप। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। आप देख रहे हैं 30 से 35 मिनट रखने के बाद गोश्त और मसाला, टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब घी ऐड करने के बाद 30 से 35 मिनट हम इसकी सही से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते वक्त थोड़े थोड़े वक्त से हम इसमें एक एक घूंट पानी ऐड करते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और ना ही उसमें जलने की स्मेल आए। भुनाई करने के बाद इसे मैंने हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए रखा है। घी ऊपर आ चुका है, इसे मैंने बाद में कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, तो मैं इसे कढ़ाई में सर्व करूँगी। अब हम इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च स्प्रेड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। हमारी कढ़ाई तैयार है, इसे रोटी या नान के साथ आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।